हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम एक प्लाजो पैंट यानी कि ट्राउजर के बॉटम पर एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनाने वाले हैं। इसको हम पिंटेक्स के साथ बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हमने प्लाजो पैंट ले लिया है और इसको हमने बिल्कुल बीचों बीच में से स्टिच कर दिया है। और ये हमारी मोहरी वाला साइड है। तो देखिए, यहाँ पर एक निशान मैंने लगा लिया है। इसको इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप एक निशान लगा लीजिए कि आपको प्लाजो पैंट को कितना अंदर की साइड की तरफ फोल्ड करना है। अब इस निशान के ऊपर देखिए, करीब 1-1 इंच की दूरी पर हम बिल्कुल सीधा निशान बना लेंगे। और देखिए, यहाँ पर मैं स्केल ले लूंगी और इसकी चौड़ाई देखिए 1 इंच की है। तो इसी को रखते हुए मैं सारे यहाँ पर लाइन्स बना लूंगी। यहाँ पर हम करीब 5 से 6 लाइनें बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधी लाइनें बना ली हैं और ये निशान हमने कपड़े की सीधी वाली साइड की तरफ लगाई है। तो नीचे वाले निशान को छोड़ते हुए इसके ऊपर वाले निशान को देखिए इस तरीके से हम पकड़ेंगे। और जहां पे हमने निशान लगाया है यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। एक पैर से भी कम मार्जिन लेते हुए आपको यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है और सिलाई को बिल्कुल छोटी बकिया कर लीजिए। और देखिए, यहाँ पर हमने करीब 6 लाइनें बनाई हैं, तो सब में इसी तरीके से पकड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधे निशान बना लिए हैं। पहले से ही आप निशान बना लीजिए जिससे कि आपके पिंटेक्स जो है वो एक बराबर और बिल्कुल अच्छे सीधे डलें। देखिए, हमने सारी लाइनों पे बिल्कुल अच्छे से पिंटेक्स को बना लिया है। केवल सीधी सिलाई लगानी है आपको। अब बॉटम की साइड की तरफ यहाँ पर भी हम कुछ डिजाइन बनाएंगे। तो गले की चौड़ाई रखते हुए हमने ये बुकरम की कटिंग कर ली है। अब इसको हम बिल्कुल बीचों बीच में से फोल्ड कर लेंगे। और देखिए, नीचे से करीब 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और फोल्ड वाली साइड से अंदर की तरफ भी एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। और अब इन निशानों को देखिए इस तरीके से हम मिला लेंगे। और फोल्ड वाली साइड की तरफ आपको छोटा सा यहाँ पर कर्व बनाना है। अब केवल इस पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब इसको हम कपड़े के ऊपर लगाएंगे। तो सिंपली देखिए, कपड़े के ऊपर आपको इस तरीके से इसको रखना है और इसके चारों साइड्स पर हम सिलाई लगा लेंगे। पूरे पे देखिए सिलाई लगाकर हमने बुकरम को कपड़े के ऊपर लगा लिया है। अब ये जो ऊपर वाली साइड है, इस कपड़े को ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम ट्राउजर पर लगाएंगे। तो इस तरीके से सिंपली जो आपका सीधा वाला साइड है उसके ऊपर आपको इस तरीके से रखना है इसे। और ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है, तो आपको सेंटर वाले पॉइंट से बिल्कुल इसे इस तरीके से मिला के रखना है। जो हमारी बीच की सिलाई होती है उससे आपको देखिए इस तरीके से इसको मिला के रखना है। और यहाँ पर देखिए, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ में सिलाई लगाते हुए आएंगे और ऊपर की साइड की तरफ जैसे हमने कटिंग की है बिल्कुल उसी शेप में सिलाई लगा लेंगे पूरे में। अब इसके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको उल्टी साइड की तरफ पलट देंगे।
ये देखिए पूरा हमने उल्टी साइड की तरफ पलट दिया है। अब यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर हम छोटी बखिया करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा ली है और ये जो इसका पीछे वाला साइड है इसको आप तुरपाई करके यहाँ पर फिनिशिंग कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर हम एक बो लगाएंगे। तो बो बनाने के लिए देखिए मैंने ये अलग कलर का कपड़ा ले लिया है। कपड़े की चौड़ाई देखिए हमने यहाँ पर 8.5 इंच ली है और लंबाई हमने ली है यहाँ पर 5 इंच। अब इसको हम इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बीच में हम थोड़ी सी सिलाई लगाना यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है, उसके बाद नीचे सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। सिलाई देखिए बिल्कुल यहाँ पर हमने लगा लिया है और इतनी दूर पर देखिए सिलाई को छोड़ दिया है। अब इस सिलाई को बिल्कुल बीचों बीच में हम कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए दोनों कपड़ों को इस तरीके से खोल लेंगे और यहाँ पर नाखून से आप इसको दबा दीजिए तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर की साइड पे हम पूरे में सिलाई लगाएंगे और ऐसे ही नीचे की साइड पे भी पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए बीच में से हमने जो थोड़ी जगह दी इस साइड से पूरे कपड़े को सीधा कर लेंगे। और एक नुकीली चीज से इसके कोने अच्छे से निकाल लीजिए। अब बिल्कुल बीचों बीच में हम बड़े टाके की सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इन दोनों धागों में से एक धागे को हम खींचेंगे तो यहां पर देखिए छोटी छोटी सी गैदर्स बन जाएंगी। देखिए पूरे में छोटी छोटी चुन्नटे बन जाएंगी। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा निकला है इसी को पकड़ते हुए इसको इस तरीके से बांध देंगे। अब देखिए एक सुई ले लेंगे और इस धागे को सिक्योर कर लेंगे। देखिए इसको अब हम प्लाजो पैंट पर लगाएंगे। तो सिंपली इस तरीके से सबसे ऊपर रखेंगे। आपका जहां मन करे आप इसको लगा सकते हैं, आप चाहें तो बीच में इसे लगा सकते हैं, बट हम यहां पर इसे ऊपर की साइड की तरफ लगाएंगे। तो सिंपली इस तरीके से यहां पर देखिए अच्छे से नॉट लगा दीजिए। अब सुई को दोबारा से ऊपर निकालेंगे। और यहां पर अब हम मोती लगाएंगे। अब सुई ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और यहां पर एक और मोती। अब सुई को नीचे की तरफ निकाल लेंगे और यहां पर पक्का करते हुए धागे को कट कर देंगे। और लीजिए तैयार है हमारा ये प्लाजो पैंट का बहुत ही सुंदर सा डिजाइन पिंटेक्स के साथ। ये पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। अब ऐसे ही हम अपना दूसरे प्लाजो पैंट का भी डिजाइन बना लेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये वाला डिजाइन आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाइएगा एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।